दून विधानसभा क्षेत्र के साथ लगते गांव लोदी माजरा में पानी की किल्लत को लेकर दो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में जंग छिड़ गई है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लोगों की अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। दून विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ते गांव लोदी माजरा में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने खूब हंगामा किया। इस मौके पर पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी ने भी सरकार व दून के विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं स्थानीय महिलाओं ने भी खाली बर्तनों के साथ नारेबाजी की। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि स्थानीय उप प्रधान व एक अन्य व्यक्ति की पंचायत कार्यालय में धक्का मुक्की हो गई व पंचायत प्रतिनिधियों को यहां पुलिस को बुलाना पड़ा। पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी ने दून के विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूरे दून क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और वर्तमान विधायक लोगों की समस्याओं को सुलझाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी आज लोदी माजरा गाँव में हम खड़े हैं, ग्राम पंचायत लोदी माजरा। तो पिछले 3.5-4 साल में जितना समय हमारी सरकार रही है, आपने देखा कि कहीं भी किसी भी गाँव में पानी की दिक्कत नहीं आई। जिन्होंने बीजेपी के लिए दिन रात एक किया, वोट मांगे, एमएलए बनाए, पंचायत के लोगों के लिए वोटें मांगे, आज वही पंचायत के लोग अभी यहाँ लोग एनओसी लेने के लिए पंचायत घर में गए, उनके ऊपर पुलिस बुलाई गई। मैं इसकी निंदा करता हूँ और ऐसी पंचायत को जो रिजाइन करना चाहिए। ऐसे जो लोग हैं इनको आगे आने से जो है हमारे लोग अभी मुस्तैद, उन्होंने गलती की है, इस गलती का एहसास इनको भी हो रहा है। कारण है कि प्रशासन जो है उसके ऊपर स्थानीय विधायक की पकड़ नहीं है और स्थानीय विधायक फेल हो चुके हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग की मैन है, जो नीचे पानी छोड़ने वाले हैं, वो पार्टीबाजी करके कुछ एरियाज को पानी छोड़ देते हैं, कुछ एरियाज में पानी नहीं देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब दून विधानसभा के विधायक परमजीत पम्मी से संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन पर कहा कि पानी की समस्या पूरे हिमाचल में है और पूर्व विधायक पानी पर राजनीति कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। श्री चैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।